हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। दोस्तों, आप लोगों को मैंने काफ़ी सारा अकाउंट ऑनलाइन ओपन करके दिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आप HDFC बैंक में ऑफलाइन अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का वेलकम किट आपको दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, ये HDFC बैंक का वेलकम किट है और ये आपको ऑफलाइन मिलता है यदि आप अकाउंट ओपन कराते हैं ब्रांच जा करके। यहाँ पर इसका हम देखेंगे अनबॉक्सिंग करके कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ मिलता है इसका हम अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि HDFC बैंक का ऑनलाइन सेविंग अकाउंट भी ओपन होता है, लेकिन यदि आप ऑनलाइन अकाउंट अपना ओपन करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड आपको घर पर बाय पोस्ट आता है, उस पर नाम लिखा हुआ रहता है ATM कार्ड पर। आपको हम दिखाने वाले हैं कि इस HDFC बैंक के वेलकम किट में क्या क्या चीज़ आपको दिया जाता है। चलिए आपको हम अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप ऑनलाइन अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं HDFC बैंक में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप ज़रूर जा करके देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मेरे हाथ में ये HDFC बैंक का वेलकम किट है। हम अब इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इस वेलकम किट में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। यदि आप ब्रांच जाकर के HDFC बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कराओगे तो आपको इस तरह का वेलकम किट आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको इस तरह का वेलकम किट आपको दिया जाएगा और आपका अकाउंट तुरंत ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी भी HDFC बैंक के शाखा में जा सकते हैं। वहाँ पर जाने पर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल, क्या क्या चीज़ लेकर के जाना पड़ता है अकाउंट ओपन करने के लिए, आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, मतलब आपका आइडेंटिटी जैसे कि आधार कार्ड या फिर आप वोटर आईडी कार्ड या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपके पास जो भी पहचान के संबंधित कागज हैं या पासपोर्ट, साथ ही आपको पैन कार्ड लेके जाना पड़ता है। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि विस वेलकम किट में क्या क्या चीज़ आपको दिया जाता है। इसे हमने पहले ही इसको हम ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहला तो आपको यहाँ पर पासबुक देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये पासबुक है HDFC बैंक की तरफ से और यहाँ पर आपको फ़िलहाल इसमें हमने फ़ोटो नहीं चिपकाया है, ये पासबुक दिया जाता है और आपको इसको अपडेट करा सकते हैं। चलिए इसको हम सेट कर लेते हैं। ये HDFC बैंक की तरफ से आपको पासबुक इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आपको मिल जाता है, इसके बाद आपको एक चेक बुक मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं चेक बुक है ये HDFC बैंक का और आप इसे चेक बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें एड्रेस रहता है, इसमें अकाउंट नंबर रहता है यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। चलिए इसको सेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको इसमें एक कुछ कागज़ मिलता है, देख सकते हैं आप, जिसके यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेविंग अकाउंट में लिखा है 25,000 एवरेज मंथली बैलेंस का अकाउंट एक होता है। इसके बाद 5,000 एवरेज मंथली बैलेंस वाला भी है और यहाँ पर बताया गया कि यदि आप बैलेंस कम रखते हैं तो कितना रुपए का यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है आपके अकाउंट से। यहाँ पर एक होता है डीजी सेव यूथ अकाउंट। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है वोमेन अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट, उसके बाद आपको सेविंग प्लस अकाउंट है, फैमिली सेविंग ग्रुप अकाउंट करके है। तो इस तरह का और भी अकाउंट इसमें होता है जो कि इसमें नहीं दिया गया है। अब इसमें दिया गया है डेबिट कार्ड का, ATM कार्ड का चार्ज के बारे में, कितना रुपए आपको चार्ज किया जाएगा और इसमें आपको कितना रुपए लिया जाता है, रिप्लेसमेंट पर कितना चार्ज लिया जाएगा, रीइशू यदि आप कराते हैं तो यहाँ पर कितना रुपए आपको देना है। इसके बारे में मैं तो आपको अलग से एक वीडियो बना के बताया ही हूँ कि आप किस तरह से कितना कितना रुपए आपको ATM का चार्ज लिया जाता है। चलिए इसको हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा कागज़ और मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वगैरह का यहाँ पे लिखा गया है।
POS के लिए कैसे यूज़ करना है, पिन कैसे बनाना है, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, इसके बाद आपको इसको चलिए सेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और कागज़ मिल जाता है, ये ATM कार्ड से संबंधित जानकारी है, FD के संबंधित जानकारी है, क्रेडिट कार्ड संबंधित जानकारी है, सारा अकाउंट के बारे में जानकारी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सैलरी अकाउंट के बारे में सारा कुछ यहाँ पर इसके बारे में दिया रहता है, ATM कार्ड यहाँ लिखा हुआ है। चलिए इसको सेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको इसमें मिल जाता है एक आपको डेबिट कार्ड, आप लोग देख सकते हैं ये रुपए का डेबिट कार्ड आपको मिलता है जब आप अकाउंट ओपन करेंगे। चूँकि ये मेरा एवरेज मंथली बैलेंस का अकाउंट है, 25,000 का अकाउंट है, सेविंग मैक्स अकाउंट इसे बोला जाता है। इसमें आपको पहला बार तो रुपए कार्ड ही आपको मिलेगा किसी भी वेलकम किट में, इसके बाद हम इसको अपग्रेड करा सकते हैं, दूसरा ATM कार्ड ले सकते हैं। तो आपको ये सेविंग मैक्स अकाउंट का है और इसमें आपको इस तरह का डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा HDFC बैंक की तरफ से। तो आपको वेलकम किट में यही सब आपको मिलता है। तो मैंने आपको अच्छी तरीका से जानकारी दे दिया कि आप यदि अकाउंट ओपन कराते हैं HDFC के बैंक के किसी भी शाखा में तो आपको यहाँ पर वेलकम किट में क्या क्या देखने को मिलता है ये आपको हम जानकारी के लिए बता दिया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।